श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के किसी व्यक्ति ने कहा कि रामलला की मूर्ति को सोने और संगमरमर से बने एक फैंसी सिंहासन पर रखा जाएगा जो 8 फीट ऊंचा है। यह अयोध्या में राम मंदिर के सबसे पवित्र क्षेत्र के अंदर होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा ने बताया कि राजस्थान के कुशल कलाकारों द्वारा एक विशेष कुर्सी बनाई जा रही है। इस कुर्सी को 15 दिसंबर तक अयोध्या लाया जाएगा और राम मंदिर के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से में रखा जाएगा। विशेष कमरा बनकर तैयार हो गया है और यह जिराफ जितना लंबा, 3 साइकिल जितना लंबा और 4 सूटकेस जितना चौड़ा है। राम मंदिर का पहला हिस्सा 15 दिसंबर तक बनकर तैयार हो जाएगा और दूसरे हिस्से का ज्यादातर काम पहले ही तैयार हो चुका है। पहली मंजिल पर 17 खंभे हैं और उन्हें केवल 2 और की जरूरत है। मिश्रा का कहना है कि वे 15 दिसंबर तक पहली मंजिल की छत पूरी कर लें। इमारत के चारों ओर का रास्ता खत्म हो चुका है। उन्होंने बताया कि वे अब बिल्डिंग के अंदर फर्श पर मार्बल लगा रहे हैं। यात्री सुविधा केंद्र की 3 मंजिलों के ऊपरी हिस्से का निर्माण हो चुका है और राम मंदिर की बाहरी दीवार का प्रवेश द्वार भी लगभग तैयार हो चुका है। उन्हें उम्मीद है कि नवंबर के अंत तक ये काम पूरा हो जाएगा। मिश्रा ने कहा कि भगवान से प्रेम करने वाले और उसमें आस्था रखने वाले लोगों ने बहुत सारी सोने और चांदी की चीजें दान की हैं। इन चीजों को रखना कठिन है, इसलिए ये पिघल जाएंगी। इसका मतलब है कि वे तरल धातु में बदल जाएंगे। मिश्रा ने कहा कि एक बेहद सम्मानित समूह इस पिघलने की प्रक्रिया में मदद करेगा।